दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने आप से कैसे प्यार करते हैं, और जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाते हो तो आपको किसी और प्यार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। असल में आप किसी जगह रहना जहां आपका मन नहीं लग रहा है, जहां आप खुशी नहीं हो, आपका कोई नहीं है, जहां आप रह रहे हो ऐसी जगह जहां आपको सिर्फ दुख दे रही हो, फिर चाहे किसी के साथ हो या फिर कोई जगह हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको हर्ट करता हो उसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। क्योंकि यार ये सब चीज़ें हमारे माइंड पर प्रेशर डालती है ना, तो आप खुश नहीं रह पाते हो और ना ही कुछ कर पाते हो, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, क्रिकेट हो या और भी कोई चीज़ हो। अगर आपको कुछ भी कहीं भी गलत लगता है तो वो चीज़ करो ही मत। जैसे आप किसी के साथ रह रहे हो और आपको लगता है ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपके साथ है, उसे आप भूल जाओ, आपके लिए बेहतर होगा। मतलब ये होता है जिसका हर टाइम ख्याल रहता है वह हमें स्पेशल फील करवाता है। पर किसी को आप बहुत प्यार कर रहे हो और ये आपको उतना फील नहीं कर पा रहा है जिस तरह आप चाहते हैं, आपके मन की खुशी आपको मिल ही नहीं रही है किसी तरह के काम करके या कोई ऑफिस में काम करके, कोई भी ऐसी जगह जहां आपको सुकून नहीं मिल रहा हो, उस जगह को छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर होगा। मतलब कि सच बोल दिया करो कि किस वजह से मैं परेशान हूं, किस वजह से मैं आपसे दुखी हूं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। इसके बाद थोड़ा दुख तो होगा, मगर इसके बाद आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओगे। ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत भारी बोझ आपके सर से हट गया हो। यार कभी भी किसी बात को सामने घुमा फिरा के मत रखा करो। कई बार क्या होता है ना, आप कुछ और चाहते हो, सामने वाला या तो समझ नहीं पाते या कुछ और ही समझ लेते हैं। जिस चीज़ को लेकर आपके मन में बात चल रहा हो सामने रख दो। ये मत सोचो कि सामने वालों को कैसा लगेगा कैसा नहीं, पर सामने रखने से वो आपका बात समझ पाएगा। सच में आपके साथ रहना चाहेगा तो ही आपके बातों को समझेगा और फिर आपके बीच सुधरना शुरू कर देगा। मगर यार दूसरों को खुशी देखना अच्छी बात है और कभी कभी अपनी खुशी देखना बड़ी बात है। जब आप ही खुशी नहीं रह पाओगे तो फिर सामने वालों को खुशी का एहसास कैसे करा पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम किसी के मना करने पर भी हम नहीं करते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर वो काम गलत है तो उसे कोसों दूर रहो, लेकिन वो काम सही है या कुछ भी हो जो आपके पसंद का है, उस चीज़ को दूसरे के लिए मत बदलो। हम अपनी आदत बदल लेते हैं दूसरों के लिए, लेकिन वो हमें बदल जाते हैं हमें बदलवा कर। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करो कि जो आपको पसंद करेगा वो आपको उन आदतों को भी पसंद करेगा जो अच्छी है। वो आपको उस तरह नहीं चलाएगा जैसा वो चाहता है, वो उस तरह चलने देगा जैसा आप चाहते हो, बस आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा। और आप भी अपने आप को बुरा मत कहो, क्योंकि ऐसा करने से आपके माइंड में ये सेट कर देता है कि आप उसके लायक नहीं हो। आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते ये सब खुद तक ही रखो तो ठीक है, दूसरों को ये बातें कभी मत बताओ और ना ही खुद के बारे में कभी निगेटिव सोचो। इस दुनिया में हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है, पर अपनी कमी को अपना चैलेंज समझकर आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सब जानते हैं कि जितनी बड़ी मंजिल हमारा नाम होगी उतना बड़ी चैलेंज भी हमारा होगा। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। किसी काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए खुद को तैयार रखो। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो वो है प्रेजेंट को बेहतर बनाना। पास्ट में हुई चीज़ आपके कहने पे नहीं बदलने वाली। फ्यूचर तो आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या देने वाला है। इन बातों को सोचकर कभी भी अपने लाइफ को जाया मत करो।
जो चला गया वो कभी भी आपका नहीं बनता, और जो आने वाला है उसे तैयार रखने का बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में हाथ पे हाथ रखकर मत बैठो। जिंदगी हमेशा चलती रहेगी और हर सिचुएशन में बदलती रहेगी। और यार, खुद के बारे में उन लोगों के सामने डिस्कर्स किया मत करो जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ किया ही ना हो। जो अपने आप को समझता तो है महान, लेकिन अभी तक महानता का कोई काम नहीं किया हो। ये सब वो चीज़ें बताएंगे जो आपका कॉन्फिडेंस गिराने में मदद करेगा। अगर कोई एडवांस लेना है तो आंख बंद करके अपने सिचुएशन को लेना शुरू करो कि अगर मैं एक काम करता हूँ तो क्या होगा, नहीं करता हूँ तो क्या होगा। इसे आपको हर सवाल का जवाब मिलने लगेगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देखे हो तो मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके लाइफ में कुछ बड़ा करने में मदद करेगा।